वास्तुकला वेद और शिल्प शास्त्र के जनक बाबा विश्वकर्मा की जयंती रविवार को समूचे जनपद में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर मशीनरी उद्योग और शिल्प कर्म से जुड़े लोगों ने विधिवत पूजा पाठ और हवन कर आदि शिल्पी देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा से सुख समृद्धि की कामना की। भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर एक दिन पूर्व से ही दुकानों प्रतिष्ठानों की साफ सफाई व साज सजावट में जुटे शिल्पकारों कारीगरों व्यवसायियों ने रविवार को विधिवत पूजा पाठ हवन कर प्रसाद वितरित किया। इस दौरान समूचे जनपद में शिल्पम जगत जीवनम का संदेश गुंजायमान रहा। सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के अंतर्गत रविवार को समूचे जनपद में पल्स पोलियो बूथ दिवस का आयोजन किया गया। जिला महिला चिकित्सालय पर बने बूथ का उद्घाटन कर नौनिहालों को दो बूथ जिंदगी की पिलाकर जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने अभियान का श्रीगणेश किया। उद्घाटन के साथ ही पूरे जनपद में बनाए गए 2402 बूथों के माध्यम से 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराकें पिलाने का कार्य प्रारंभ हो गया। इस बार जनपद में कुल 6,57,993 बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य के सापेक्ष कुल 3,43,447 बच्चों को बूथ दिवस पर दवा पिलाई गई। इस तरह कुल 53% बच्चों ने बूथ दिवस पर दो बूंद जिंदगी की पी। शेष बचे यानी छूटे हुए बच्चों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित की गई टीमें 18 से 22 सितम्बर तक घर घर जाकर पोलियो रोधी दवा की खुराकें पिलाने का काम करेंगी। ये आज पल्स पोलियो का अभियान है और आज जिले में हमारे जितने हैं करीब 2,402 बूथ हैं, उनके बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जा रही है। 1,71,000 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद आज बूथ डे के बाद फिर एक हफ्ते चलेगा डोर टू डोर जाकर के दवा पिलाने। 6,71,000 बताया तो 6,71,000 बच्चे नवजात शिशु हैं जो 3 साल के अंतर्गत 5 साल तक उनको दवा पिलाने का लक्ष्य। अभियान की सफलता की बात करें तो पिछले बूथ दिवस से इस बूथ दिवस 2% अधिक बच्चों ने पोलियो रोधी दवा पी। हालांकि इस बार मेहनगर हरैया और मार्टिनगंज ब्लॉक में कम प्रगति पर प्रभारी अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। वादकारियों को मुकदमों की जटिल प्रक्रिया से मुक्ति दिलाने के सदप्रयास की कड़ी में रविवार को एक बार फिर लोक अदालतों का आयोजन हुआ। दीवानी न्यायालय के अलावा प्रशासनिक चकबंदी व तहसील के न्यायालयों में भी लोक अदालतें लगाई गईं। यहां सुलह समझौते के आधार पर अधिकारियों ने मुकदमों का निस्तारण किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव चंद्रशेखर ने बताया कि इस रविवार को यहां कुल 15,207 वादों का निस्तारण कर कुल 4,10,43,000 रूपये का सेटलमेंट हुआ। इसी प्रकार बैंकों से जुड़े कुल 429 प्री लिटिगेशन के मुकदमों का निस्तारण किया गया। इस बार अग्रणी बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जिले भर की शाखाओं से जुड़े लोन व अन्य मामलों से जुड़े मुकदमों का सुलह समझौते के आधार पर समाधान किया गया। यूनियन बैंक के मुख्य प्रबंधक मनोज कुमार ने एबीसी चैनल को बताया कि 220 मामलों का सेटलमेंट हुआ है, जिसमें से 99,83,000 रूपये जमा कराए गए हैं।
गरीबों को भी हेल्थ रूपी वेल्थ मिल सके, इस महान उद्देश्य को लेकर रविवार को नरौली क्षेत्र स्थित रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर ने निशुल्क ओपीडी व परामर्श शिविर का आयोजन किया। शिविर के दौरान मूत्र रोग विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर अमित सिंह, न्यूरोसर्जन डॉक्टर राघवेंद्र कुमार, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरडी सिंह व स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खुशबू सिंह ने मरीजों की समस्याएं सुनी, उन्हें इलाज उपचार संबंधी परामर्श प्रदान किया। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अमित सिंह ने बताया कि 3 माह के अंतराल पर प्रत्येक 17 सितंबर को निःशुल्क ओपीडी एवं परामर्श शिविर के आयोजन का हॉस्पिटल परिवार प्रयास करेगा, ताकि गरीब जनता भी बेहतर स्वास्थ्य व चिकित्सकीय सेवा से लाभान्वित हो सके। इस शिविर के दौरान कुल 248 मरीज देखे गए हैं। आज 17 तारीख को रविवार के दिन रामा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर में एक फ्री कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में न्यूरोसर्जन डॉक्टर राघवेंद्र कुमार, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खुशबू सिंह, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरडी सिंह और मूत्र रोग विशेषज्ञ मैंने डॉक्टर अमित सिंह ने फ्री में ओपीडी की है और दवाइयों का वितरण किया है। और हम कोशिश करेंगे कि हर 3 महीने पे 17 तारीख को ऐसे कैंप लगाते रहें, ताकि गरीब मरीज जो अच्छे अस्पतालों में नहीं जा सकते या इस डर से कि अस्पताल महंगे हैं, इस कन्फ्यूजन में बड़े अस्पतालों में नहीं जाते, वो भी आ सके हमारे तक, अपनी समस्याओं को साझा कर सकें और उन्हें इस चीज़ से मुक्ति मिल जाए कि नहीं कोई अस्पताल महंगा है क्या है, उन्हें अच्छी सुविधाएं दे सकें हम और अच्छी राय दे सकें। तो उन लोगों के लिए, मेरे गरीब जनता के लिए, हमने आज 17 तारीख को एक फ्री कैंप का आयोजन किया हुआ है और हम कोशिश करेंगे कि हर 3 महीने पर 17 तारीख को ऐसे कैंप का आयोजन करें। और इस कैंप में अगर हम देखें तो जो ज़्यादातर मरीज थे न्यूरो में, मेरे वो सिर दर्द, कमर दर्द, गर्दन के दर्द और झटके वाले मरीज थे। स्त्री एवं प्रसूति रोग में जो गर्भावस्था में औरतें थीं, उनको खून की कमी होना बहुत कॉमन है और वो मरीज ज़्यादा थे आज। मूत्र रोग विशेषज्ञ से संबंधित जो रोगी थे उसमें ज़्यादातर प्रोस्टेट, जिसको हम गदूत कहते हैं, जो बुढ़ापे का रोग है जिसमें पेशाब रुक जाती है, उसके मरीज थे और पेशाब में जलन के मरीज बहुत ज़्यादा थे और हड्डी में गठिया के मरीज बहुत ज़्यादा थे। और आज लगभग 200 से 300 की ओपीडी अभी हो चुकी है फ्री में और अभी हमें लगता है कि और भी बहुत ही ज़्यादा होगी और दवाइयों का फ्री में वितरण कर रहे हैं और आगे भी हम ये जारी रखेंगे। न्यूरोसर्जन डॉक्टर राघवेंद्र कुमार ने बताया कि शिविर के दौरान न्यूरो से संबंधित काफी मरीजों को देखा गया है, जिनमें ज्यादातर सर्वाइकल, मिर्गी, लकवा, कमर दर्द व साइटिका के रोग से ग्रसित थे। के द्वारा एक फ्री कैंप का आयोजन किया गया जिसमें मेरे पास मुख्य रूप से मरीज, जैसे कि जिनको गर्दन में दर्द है या जिनको लकवे की शिकायत है या मिर्गी के दौड़े पड़ रहे हैं या कमर में दर्द या सियाटिका के पेशेंट हैं, वो मुख्य रूप से पेशेंट आज देखे जा रहे हैं। उनको उचित सलाह और अगर उनको जांच की ज़रूरत है तो जांच और साथ में फ्री कैंप के माध्यम से 2-3 दिन के लिए मेडिसिन भी मतलब वितरित। दियारे विद्या सभा का त्रैवार्षिक अधिवेशन रविवार को डीएवी पीजी कॉलेज कैंपस में हुआ। यहां चुनाव अधिकारी संजय कुमार उपाध्याय की देखरेख में कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव भी संपन्न हुआ। सर्वप्रथम नामांकन पत्रों के दाखिले, जांच व वापसी की प्रक्रिया संपन्न हुई। चुनाव अधिकारी के रूप में मौजूद श्री उपाध्याय ने बताया कि सभी नामांकन पत्र जांच में वैध पाए गए। आज हमने चुनाव संपन्न कराया है जिसमें सदस्यों ने जो भी अपना पर्चा भरा सभी वैध पाए गए और जिनका कार्यकारिणी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश नाथ श्रीवास्तव ने बीसी चैनल को बताया कि 15 सदस्यों के अलावा यहां पदाधिकारियों का चुनाव भी हो गया है। उन्होंने निर्वाचन के बाबत विस्तार से जानकारी दी। आजमगढ़ डीएवी पीजी कॉलेज और डीएवी इंटरमीडिएट कॉलेज की पेरेंट बॉडी है दियार विद्या सभा आजमगढ़। आज इसका त्रैवार्षिक उस बैठक थी जिसमें पुराने मेंबरों, जो सोसाइटी रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत मेंबर्स हैं, उनके द्वारा चुनाव कार्यक्रम हुआ। सभी सदस्य
उपस्थित आए, उसमें आज आर विद्या सभा के प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का 15 सदस्यों का चुनाव हुआ। सभी लोग निर्वाचित हुए, उनके खिलाफ किसी अन्य का किसी अन्य प्रत्याशी का दावा नहीं था। और उसके बाद पदाधिकारियों में मैं कैलाश नाथ श्रीवास्तव एडवोकेट अध्यक्ष के रूप में चयनित हुआ, उपाध्यक्ष के रूप में अशोक कुमार अग्रवाल और मंत्री के रूप में श्री नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट और कोषाध्यक्ष के रूप में श्री नवीन चंद्र साना और उप मंत्री जो है सुनील कुमार जी चयनित हुए हैं और इनका कोई विरोध नहीं, सब सम्मत से लोग निर्वाचित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 67वां जन्मदिन रविवार को नरेंद्र मोदी मोर्चा ने सेवक दिवस के रूप में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया। मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष सैयद काजी अरशद के नेतृत्व में आयोजित हुए समारोह में मोर्चे से जुड़े पदाधिकारी व कार्यकर्ता काफी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी ने प्रधानमंत्री को बर्थडे की शुभकामनाएं दी और उनके जन्मदिन को सेवक दिवस के रूप में मनाते हुए स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन योजना, मुद्रा योजना, कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं के प्रचार प्रसार का निर्णय लेते हुए सभी योजनाओं को गांव-गांव व जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को सेवक दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर हमारे प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश के मीडिया प्रभारी भी साथ में रहे, जिला प्रदेश प्रवक्ता भी साथ में रहे। हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को जन जन पहुंचाने का संकल्प लिया, स्वच्छता अभियान चलाने का संकल्प लिया। कहने के तात्पर्य यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं हैं हम उनको बारी बारी लेकर के चलेंगे और इसको पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लागू करेंगे। हिंद बलोच फोरम के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक गोविंद शर्मा रविवार को आजमगढ़ आए तो यहां भी बलूच वालों की बेबसी और दुख दर्द को बयां किया। कहा कि आज पूरे विश्व में बलूचिस्तान वालों को समर्थन मिल रहा है, उनकी आजादी बेहद जरूरी है। जिला मुख्यालय पर मीडिया से हुई बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि आजमगढ़ जनपद में आगामी 4 अक्टूबर को एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होने जा रहा है जिसमें कई बड़े वक्ता, बुद्धिजीवी, चिंतक और विचारक शामिल होंगे। 4 अक्टूबर को एक सेमिनार है हिंद बलोच फोरम के द्वारा, जिसमें कि बलूचिस्तान के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। बलूचिस्तान, जिसको कि पाकिस्तान अपना एक प्रांत कहता है, वास्तविकता में बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का जबरन कब्जा है, जो 1948 में जिन्ना ने बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी फौज की सहायता से किया था। आप 1880 का जब गजेटियर देखेंगे, ब्रिटिश गजेटियर, तो उसमें बलूचिस्तान एक आजाद देश के रूप में, कहिए राज्य के रूप में, उसमें दिखाया गया है। और 1948 में जब से पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया, तब से लेकर के आज तक बलूचिस्तान के लोग अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पूरी दुनिया में उनकी बातों को किसी ने सुना नहीं, उस पर ध्यान दिया नहीं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब 2016 में लाल किले से बलूचिस्तान का जिक्र किया और बलूचिस्तान की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को समर्थन दिया, तब से इस मुद्दे पर पूरी दुनिया का ध्यान गया है। चूंकि बलूचिस्तान के साथ भारत के ऐतिहासिक रूप से सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, तो उनकी आजादी की लड़ाई का समर्थन करना हमारा एक नैतिक दायित्व है।
और वहाँ जो पाकिस्तान के द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, बलूचिस्तान पर, बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं और बलूचिस्तान का जो सारा संसाधन है उसकी एक तरीके से पाकिस्तान के द्वारा लूट हो रही है, और उसमें अब पाकिस्तान ने चीन को भी शामिल कर लिया है। ग्वादर एयरपोर्ट तक जो सड़क चीन बना रहा है, जिसको CPEC हम कहते हैं, तो ये सारी बातें अब भारत के द्वारा उठाई जा रही हैं, तो बलूचिस्तान के लोगों को भी एक बल मिला है। तो उसी विषय को पूरे भारत में, पूरी दुनिया में उठाने के लिए ये हिंद बलोच फोरम बनाया गया है, और हिंद बलोच फोरम पूरे देश में इस विषय को लेकर के एक जन जागरण कर रहा है। स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार जी, जो कि हिंद बलोच फोरम के संरक्षक भी हैं, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी जो कि देश के जाने माने संत हैं, पवन सिन्हा जी जो चिंतक, विचारक और प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं, ये सारे लोग इस कार्यक्रम में रहेंगे। डिफेंस एनालिस्ट कर्नल आरएसएन सिंह भी इस कार्यक्रम में रहेंगे और भी तमाम गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बलूच पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है, वहां की आजादी के लिए संघर्ष कर रही बलूच की जनता को भारत के हिंदू और मुसलमानों का भी समर्थन मिल रहा है। को लेकर के देखिए, एक तो आजमगढ़ पूर्वांचल में प्रबुद्ध लोगों की धरती है, जब हम कश्मीर की बात करते हैं, बलूचिस्तान की बात करते हैं, आप भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान होगा क्योंकि आप लोग इसी भूमि के हैं, राहुल सांकृत्या हैं, उन्होंने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, तिब्बत के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, कश्मीर के बारे में, बलूचिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में बहुत लिखा है। तो इन सारे विषयों पर हमें उनके साहित्य से बहुत प्रकाश मिलता है। तो चूंकि सारे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं, तो एक विचार ये हुआ कि उनकी धरती पर भी, आजमगढ़ की धरती पर भी एक कार्यक्रम जरूर होना चाहिए। भारतीय मुसलमानों का भी हमें समर्थन मिल रहा है इस। स्वच्छता ही सेवा है, इस मिशन के साथ पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नए सिरे से सफाई अभियान चला रही है। आगामी 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस विशेष अभियान में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रतिदिन किसी न किसी मोहल्ले में सफाई कर रहे हैं। रविवार को शहर रोडवेज पर चले सफाई कार्यक्रम में प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक भी शामिल हुए। उन्होंने खुद कार्यकर्ताओं के साथ शहर रोडवेज पर झाड़ू लगाई। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि गांव से लगायत शहर सभी जगह साफ सफाई का माहौल होना चाहिए। कार्यकर्ता इस मिशन से जुड़े क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस महाअभियान की सफलता के लिए मेहनत कर रहे हैं। श्री पाठक का कहना था कि स्वच्छता मिशन से ही समाज स्वस्थ होगा और हर क्षेत्र में तरक्की होगी, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस मिशन से जुड़ जाए। स्वच्छता ही सेवा है, इस नारे के साथ पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान हमने चलाया है। उसी क्रम में आज आजमगढ़ में भी स्वच्छता अभियान में कार्यकर्ता जुटे। हम सब कामना करते हैं कि उन्होंने स्वच्छता का जो मिशन लिया है वो पूर्ण हो, राज्य के जनता की, देश की जनता की उसमें सहभागिता हो, क्योंकि हमारा निश्चित मानना है कि स्वच्छता ही सेवा है और सेवा का काम करना है तो जनमानस को साथ लेना पड़ेगा।